हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अपने फ़ोन या कंप्यूटर से ही घर बैठे ई श्रम कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप ई श्रम कार्ड अप्लाई करके दिखाऊंगा और आप भी इस स्टेप को फॉलो करके अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। तो डिटेल में जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आप अपने फ़ोन या फिर कंप्यूटर पर किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और सर्च करेंगे ई श्रम। यहाँ सबसे पहला लिंक आएगा ई श्रम सेल्फ रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ई श्रम का ऑफिशियल पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर ई श्रम कार्ड बनाने के लिए कुछ डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेंगे, जैसे आपका आधार नंबर। आपका आधार नंबर आपके फ़ोन नंबर से लिंक होना चाहिए। बैंक अकाउंट डिटेल्स और आपका एज 16 से 59 के बीच में होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी डिटेल्स हैं तो आप ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर दाई तरफ देखेंगे तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर भरेंगे जो आधार कार्ड से लिंक है, फिर इस कैप्चा कोड को भरेंगे। उसके बाद नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं, आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नो सेलेक्ट करेंगे। फिर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओटीपी भरेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर अपना आधार नंबर भरेंगे और नीचे चेकबॉक्स को टिक करेंगे। यहाँ पर ओटीपी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस कैप्चा कोड को भरेंगे। डिटेल्स भर लेने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार वाले नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ भरेंगे। ओटीपी भर लेने के बाद वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगले पेज पर आपका डिटेल आधार कार्ड से अपने आप फैच हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे और कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर आपको अपने बारे में भरना है, जैसे आपको एक यहाँ पर इमरजेंसी नंबर भरना है, फिर ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, फादर्स नेम, ब्लड ग्रुप, नॉमिनी डिटेल्स, इन सारी डिटेल्स को आपको भर लेना है। डिटेल्स भर लेने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर अपना एड्रेस भरेंगे, तो अभी आप जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस भर लेंगे। फिर नीचे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अगले पेज पर आपको अपने एजुकेशन के बारे में भरना है, फिर मंथली इनकम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर अपने स्किल्स के बारे में जानकारी देनी है तो आप यहां अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। डिटेल भर लेने के बाद यहाँ पर नीचे सेव एंड कंटिन्यू का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। अगले पेज पर बैंक अकाउंट डिटेल्स की जानकारी देनी है, तो यहाँ आप अपने अकाउंट नंबर को भरेंगे, फिर उस अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे, उसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम भरेंगे। यहाँ आईएफएससी कोड भरते ही बैंक नेम और ब्रांच नेम दिख जाएगा। सारे डिटेल्स भर लेने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगे। आप चाहें तो इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ इस चेकबॉक्स को टिक कर लेंगे, उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहां आपका ई श्रम कार्ड दिख जाएगा। अब इस कार्ड पर आपको यूएएन नंबर दिखेगा, यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। इसको आप कहीं लिख कर रख सकते हैं या फिर इसको सेव कर सकते हैं। ये जो कार्ड दिख रहा है आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे आप बड़ी आसानी से ई श्रम कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।